जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन हेडक्वार्टर मार्केट जो पास करने वाले फ्लाईओवर को अमरनाथ यात्रा के लिए खोले जाने से रामबन के आवाम ने खुशी का इजहार किया है। रामबन के अवामी नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत व इंतजामिया के साथ तमीराती कंपनी का भी शुक्रिया अदा किया और पुल को जल्द अवाम के नाम वक्फ करने की उम्मीद का भी इजहार किया। तमीराती कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने खास बातचीत की। पी आर ए की तरफ से हमारे मंडल प्रधान मीडिया के जितने युवा मोर्चा की तरफ से और पूरी जिला की टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो फ्लाई ओवर हमारा जो उद्घाटन हुआ बहुत बहुत सभी रामबन जिला के लोगों को मुबारक और हमारे जो बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट का उनका भी धन्यवाद कि जो हमारी डिमांड पूरी की। अमरनाथ यात्रा के जाने वाले जा रहे हैं जो भी वहाँ से गुजरने वाले जो जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू से हरी झंडी दिखाई और रामबन के लोगों ने यहाँ से वेलकम करके उनको यहाँ से गुजरते आप देखा तो बहुत सारे लोग इस बारे में अपने ये बात कहने से ना रुक सके कि यह रामबन के लिए बहुत बड़ा संग मील है। इस पुल की लेंथ टोटल कितनी है, इसमें पिलर्स कितने हैं, फीचर्स क्या है इस पुल के? फीचर्स इसमें टोटल 27 है अगर देखिएगा नदी वाली साइड से तो, और दूसरी वाली साइड से देखिएगा तो आपको 22 पिलर नजर आएंगे। अबटमेंट स्टील गटर भी है उसमें और अपना सीमेंट वाला PSC गटर बोलते हैं, दोनों अपना मिक्स करके बनाया गया है। अच्छी अच्छी लेंथ कितनी है सर इसकी? लेंथ इसकी 1180 मीटर। अच्छा 1180 मीटर, मतलब 1.2 में थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा काम है। ठीक है सर, तो अभी सर जो दूसरी वाली लाइन है सर उस पर भी काम स्पीड अप, अब उस पर एकदम पूरा स्पीड अप होगा उस पर, ताकि उसको एकदम 100% चालू करके फिर उसको भी आपको समर्पित कर दिया जाए, जनता के हवाले कर दिया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद। तो प्रोजेक्ट मैनेजर थे गेमन इंडिया के, उनका यही कहना है कि उन्होंने दिन रात यहाँ पर काम की, हर एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन है, हर एक टेक्नीशियन का, इंजीनियर का, मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, NHAI का, सबके कंट्रीब्यूशन से ही ये पुल बनकर आज तैयार हुआ और रामबन को बाईपास करने वाला पुल जो है एक देरीना ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि रामबन की आवाम को राहत होगी और इसी ही तरह की मजीद अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। राजौरी कौमी शाहराह के फलियाना मुरादपुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 20 ग्राम हेरोइन जैसी नशावर चीज बरामद की। ये नशावर चीज मौजूद एक नौजवान की तलाशी के दौरान बरामद की गई जिसकी शनाख्त जहूर अहमद वल्द मोहम्मद बशीर साकना पनहत के नाम से हुई है। मुलजिम को गिरफ्तार करके इससे मजीद तफ्तीश की गई। डिप्टी SP हेडक्वार्टर राजौरी मुदस्सिर हुसैन की सरबराही में ये तलाशी मुहिम चलाई गई। ग्राम के आसपास जो है हीरोइन लाइक सब्सटेंस मिला है तो पूछताछ के दौरान पता चलेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखे जो है वो इसके पहले से कर रहा था रोड़ी का रहने वाला। आप देखो अभी इसने जहूर नाम बताया रोड़ी का रहने। मेडे में गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए हुकूमत सख्त नजर नहीं आ रही है। सरकार के रवैये से बरहब लोगों ने बताया कि कानकनी महकमा, आलूदगी कंट्रोल महकमा, आबपाशी फ्लड कंट्रोल महकमा और रियासती हुकूमतों ने मेढर नदी में होने वाली गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि पानी की सतह नीचे आ गई है जिसकी वजह से पीने के पानी और आबपाशी के पानी का बहरान पैदा हो गया है। गैर कानूनी कानकनी से माहौलियात को शदीद खतरा लाहक है। कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पे मेरी माइनिंग हुई है, हमने कन्वे किया क्योंकि पिछले दिनों में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी एक मीटिंग इस हवाले से ली थी माइनिंग को लेकर, इलीगल माइनिंग को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था सिर्फ दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक जो है मैटर में वो सोलो टूर है। अभी एक ब्लॉक जो है ये मैटर प्रॉपर का है, ये अभी सेल नहीं हुआ है, इसका ऑप्शन नहीं हुआ है अभी, तो अगर इसमें कोई इलीगल माइनिंग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें हमने SHO मैंडो को ऑलरेडी डायरेक्शन दी हैं कि वो फ्रीक्वेंट नाका जो है वो एस्टेब्लिश करेगा, खासकर नाइट आवर्स में जहां नए मैजिस्ट्रेट की जरूरत है हम उसको भी डिप्लाई करेंगे ताकि ये मिनेस जो है इसकी इलीगल माइनिंग का वो स्टॉप। तराल के मेन बाजार में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा